आज हम बातचीत करेंगे कटिंग विधि द्वारा वृक्षारोपण करने की तकनीक पर वृक्षारोपण के बहुत सारे मेथड हैं सीधी बीज बुआई है गड्ढों में पौधे लगाना है इसी तरह कटिंग का रोपण भी एक विधि है जो कटिंग लगाई जाती है कटिंग तने की हो सकती है कई जगह कटिंग जड़ की भी होती है तो कई जगह रूट सूट कटिंग दोनों होती हैं अगर शाखा की कटिंग ब्रांच कटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कम से कम एक साल पुरानी किसी शाखा को हम यूज उपयोग में लेते हैं कटिंग बनाने में और ये कटिंग दो विधियों से लग सकती हैं एक विधि के है पहले हम एक छोटी आकार की कटिंग जिसकी लंबाई आठ नौ इंच हो पहले हम नर्सरी में थैलियों में लगा दें और वहाँ पर उसको उगने का मौका दें बढ़ने का मौका दें और जब वो एक पौधा बन जाए हम जुलाई में उसको लगाएँ तो जुलाई में जाकर उसकी हमारे पास एक सफिशियंट एक ऊंचाई हो जाती है लगभग 45 सेंटीमीटर या उससे बड़ी उसकी ऊंचाई हो जाती है दूसरा हमारे पास विधि है कि हम सीधा ही प्लांटेशन क्षेत्र जो वृक्षारोपण क्षेत्र है सीधा वहां पर हम कटिंग लगाएं तो ये दो विधियां हैं अगर हमें सीधे ही वृक्षारोपण क्षेत्र में अगर कोई कटिंग लगानी है तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए पहला तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम स्थानीय जातियों की जो कटिंग है वही लगाएँ विदेशी जातियों की कटिंग वृक्षारोपण क्षेत्रों में ना लगाएँ कटिंग लगाने का आधार यह है कि मौसम से जुड़ी हुई ये प्रक्रिया है कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी कटिंग हमें सूखे मौसम में लगानी है जब मानसून नहीं है यानी मानसून से पहले गर्मी का जो अंतिम महीना है जून हम उसमें उसका उन, उन कटिंगों को लगा दें दूसरी कटिंग ऐसी हैं जिन जो वर्षा में सड़ती नहीं है उनको हम लगाने का जो सही अच्छा समय है वो हम वर्षा ऋतु में लगाएं कटिंग को शार्प कुल्हाड़ी से काटना का फायदा ये होता है कि जहाँ कट लगेगा वहाँ कोई अतिरिक्त फालतू घाव नहीं बनते हैं ना ही उस छोर पे कोई फड़ान फटना चाहिए स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए न ही उसकी जो छाल है बार्क है वो अपनी लकड़ी से यानी जाइलम से वो भी सेपरेट नहीं होनी चाहिए जो उसका कटा हुआ छोर है वो एक ही कट में लगाए तो सबसे बेहतर है कटिंग जैसे ही लगाते हैं काट देते हैं उसको पटका ना रखें अगर हम उसको पटका रखेंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है उसमें जो नमी है नमी ऑपरेट होती रहती है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से जब जैसे इस कटिंग को लगाते हैं इसके रिजल्ट कम हो जाते हैं कटिंग अगर हम वृक्षारोपण क्षेत्र में लगा रहे हैं तो पहले हम गड्ढा खोद कर जाए गड्ढे यहाँ कटिंग ज्यादा जो लगती है आमतौर पर होल में लगती है पिट की बजाय होल में लगाना चाहिए होल में लगाने से फायदा ये रहता है कि कटिंग हिलती नहीं है क्योंकि कटिंग का नीचे वाले क्षेत्र में हमने जो काट लगाई है उस काट की वजह से वहां टेप रूट मूसला जड़ तो होती नहीं है वहां पर सिर्फ झकड़ा जड़ यानी कि एडवेंटेश रूट होंगी और अगर कटिंग हिलती है तो वो नाजुक जो जड़ें हैं वो टूट जाती हैं और ऐसी टूटी हुई जड़ों के बाद कटिंग थोड़े दिन में सूख जाती है यह ध्यान रहे जो भी कटिंग लगाई जाए चाहे नर्सरी में लगाएं चाहे वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाएं उसका प्राकृतिक निचला क्षेत्र नेचुरल लोअर एंड हमेशा मिट्टी में रहना चाहिए और जो नेचुरल अपर एंड है वो हमेशा हवा में रहना चाहिए कटिंग लगाने के बाद में अगर ध्यान रहे ऊपर वाले क्षेत्र में अगर आपने कट लगाया है तो उस उसमह घाव होता है उसमें नमी उड़ेगी नमी उड़ेगी डिहाइड्रेट होगा उस लॉस को रोकने के लिए गोबर या चिकनी मिट्टी की एक कैप लगा दें अच्छा रहेगा कि गोबर की कैप लगाएं अब ये एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हम किस कटिंग को दोनों तरफ काट सकते हैं ऐसा पौधा जिनमें पिथ वाइड है जिसमें वेल डेवलप्ड पिथ है पिथ किसी भी कटिंग का वो केंद्रीय भाग है उसको हम पिथ कहते हैं कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पिथ चौड़ी होती है नर्म सॉफ्ट होती है अगर उसमें कोई कांटा या आलपिन घुसाएं या कोई ठोस चीज अगर उसमें एंटर कराएं तो उसमें पूरी घुस जाती है असहजता से घुस जाती है ऐसे पौधों में सिर्फ नीचे की तरफ ही कटिंग लगाएं जो जमीन में हिस्सा जाएगा ऊपर की तरफ अगर पत्तियां हैं तो वो सुरक्षित इंटेक्ट लगी रहनी चाहिए जैसे कि हम थूर में थापाथोर में यूफोरबिया में करते हैं इनमें एक तरफ ही कटिंग होनी चाहिए लेकिन ऐसे पौधे ऐसी लकड़िया थोड़े इतना वित, नहीं है अगर उन्होंने आलपिन घुसाएं या कांटा घुसाएं या कोई और हार्ड चीज घुसाएं वो आराम से नहीं घुसती है या बिल्कुल भी नहीं घुसती है आप समझ लें कि ये हार्डवुड वाली है इन कटिंगों में दोनों तरफ हम कटिंग काट लगा सकते हैं जैसे यूफोरबिया यूफोरबिया को हम सॉइल में चाहिए या वेल ड्रेन्ड चाहिए अगर स्टोनिक सॉइल नहीं है तो वहाँ पानी का भराव नहीं होना चाहिए पानी का भराव होने पर कटिंग सड़ जाती है वेल ड्रेंड सॉइल में ही हमको कटिंग लगानी चाहिए इस तरह की जो कटिंग है फेंसिंग पर लगाकर वेजिटेटिव फेंस हम तैयार कर सकते हैं ऐसी विधियों का उपयोग कर हम अच्छे नतीजे हमारे वृक्षारोपण क्षेत्रों में ला सकते हैं